नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन के इतिहास की अगर बात करें तो आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह दी गई है। इन्हीं में से कुछ खास घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इनमें से खास घटना एक ये है कि भारतीय जगत के एक महान क्रिकेटर का आज जन्मदिन भी है। इस क्रिकेटर का नाम है अनिल कुंबले। दोस्तों, अनिल कुंबले को क्रिकेट जगत में जंबो के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले कुंबले ने अपने लेग स्पिन गेंदबाजी की बदौलत कई रिकॉर्ड कायम किए। वो दुनिया के 3 गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में कुल 619 विकेट लिए। कुंबले ने टेस्ट मैचों में पहली इनिंग में 35 बार 5 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। तो वहीं पाकिस्तान के साथ हुए यादगार टेस्ट मैच में एक इनिंग में सभी 10 बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। कुंबले को भारत सरकार की ओर से साल 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। करीब 18 सालों तक क्रिकेट खेलने के बाद कुंबले ने साल 2008 में संन्यास ले लिया। इसके बाद कुंबले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी भी चुना गया। कुंबले चौथे ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। दोस्तों, अनिल कुंबले के जन्मदिन के अलावा आज के दिन कई और भी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें खास माना गया है, तो चलिए जानते हैं। साल 2009 में आज ही के दिन हिंद महासागर में स्थित देश मालदीव ने पानी के अंदर पहली कैबिनेट मीटिंग कर दुनिया को चौंका दिया था। मालदीव ने ये इसलिए किया था ताकि वो दुनिया के सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करा सके। साल 1806 में आज ही के दिन हैती क्रांति के पूर्व नेता और हैती के स्मार्ट जैक्स प्रथम की दमनकारी नीतियों के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन साल 1979 में संत मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी। उन्होंने भारत सहित पूरी दुनिया में बेसहारा लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की थी। तो वहीं साल 2003 में चीन एशिया का ऐसा पहला देश बना जिसने मानव को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल की थी। आज ही के दिन साल 1923 में प्रसिद्ध लेखिका गौरा पंत का जन्म हुआ था जिन्हें मुख्य रूप से शिवानी नाम से भी जाना जाता था। हिंदी की महान लेखिकाओं में से एक शिवानी को दुनिया में भारतीय महिलाओं के ऊपर फिक्शन स्टोरीज लिखने के लिए जाना जाता था। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को लेकर उन्हें साल 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़े कुछ खास और रोमांचक तथ्यों की जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।